तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा कि सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, और उस वेव इक्वेशन में हमने दो चीज़ें देखी, फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव एंड बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव। फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है, सोर्स से लोड। बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव लोड से सोर्स। साथ साथ हमने ये भी देखा कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट गामा। यदि गामा में अल्फ़ा प्रेजेंट है तो वेव का एटीन्यूएशन होगा, एंड व्हाट इज़ एटीन्यूएशन, एटीन्यूएशन इज़ नथिंग बट रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड। तो रिकॉल दैट कि जो इनिशियली हमने देखा था, वी सॉ टू कपल्ड इक्वेशन। देखिए इन दोनों, इसको कपल्ड इक्वेशन क्यों बोलते हैं, देखिए इसमें वो वी की डिपेंडेंसी किस पे, आई पे, और यहाँ पे किसकी, आई की डिपेंडेंसी वी पे है, इसलिए ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कपल्ड इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे एक काम करिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें दो इक्वेशंस मिले थे, दीज इक्वेशंस आर नोन एज वेव इक्वेशंस। अच्छा, वेव इक्वेशन का सोल्यूशन कुछ ऐसा आया था, बिल्कुल आया था, तो वोल्टेज इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, इसको क्या बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव, और इसको क्या बोलते हैं बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव। तो जिस तरीके से वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन लिखा था, उसी तरीके से करंट के लिए भी इन सेम फैशन अपन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 पे वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू को रख देते हैं। चलिए रखते हैं, तो व्हाट इज़ दैट, एट लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, इसका डिफ्रेंशिएशन करें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वी प्लस तो एज इट इज़ आएगा, माइनस गामा आएगा, ई पावर माइनस गामा एक्स आएगा, प्लस वी माइनस आएगा, गामा आएगा, एंड ई पावर गामा एक्स आएगा, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ आई। तो आई की वैल्यू क्या है, आई प्लस ई पावर माइनस गामा एक्स, माइनस टर्म मैंने पहले से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस आई माइनस ई पावर गामा एक्स, आर प्लस जे ओमेगा एल। अच्छा देखिए, ये फॉरवर्ड वाला कंपोनेंट, ये फॉरवर्ड वाला कंपोनेंट, फॉरवर्ड वेव वाले कंपोनेंट को क्या करते हैं, अलग करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे माइनस, इधर से माइनस गामा वी प्लस ई पावर माइनस गामा एक्स, ये फॉरवर्ड वाला कंपोनेंट है, तो वी प्लस ओवर आई प्लस इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाई गामा। रिकॉल दैट गामा स्क्वायर क्या था, गामा स्क्वायर, गामा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी थी, डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी कांस्टेंट ऑफ द लाइन, आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी। अच्छा, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, पुट करने के बाद देखिए क्या होता है, पुट करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया इक्वेशन को, तो ये आर प्लस, वो गामा स्क्वायर का इक्वेशन था, तो गामा की यहाँ पे अपने को गामा की वैल्यू रखना है, तो आर प्लस जे ओमेगा एल पावर हाफ जी प्लस जे ओमेगा सी पावर हाफ, इसको मैंने सॉल्व किया, और अंडर रूट ऑफ आर प्लस जे ओमेगा एल ओवर जी प्लस जे ओमेगा सी। अच्छा देखिए, वोल्टेज अपॉन करंट इज ऑलवेज अ इम्पीडेंस, या अपन वोल्टेज अपॉन करंट को हम हमेशा क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कैसा आ रहा है, दिस इम्पीडेंस इज पॉजिटिव क्वांटिटी अंडर रूट ऑफ आर प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी। अच्छा, इसको और नोटिस करिए, क्या ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, बिल्कुल है। क्या इसमें मैग्नीट्यूड पार्ट और फेज पार्ट होगा, बिल्कुल होगा, और इसमें साथ साथ इसकी डिपेंडेंसी देखिए कि ये जेड नॉट, इसको जेड नॉट जो इम्पीडेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्राइमरी कांस्टेंट ऑफ द लाइन। अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो ये इसको, ये बेसिक कैरेक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस बोलते हैं। अच्छा देखिए, फॉरवर्ड वेव के लिए ये फॉरवर्ड वेव के लिए था वी प्लस आई प्लस, तो ये इम्पीडेंस कैसा आ रहा, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड वेव कैसी एम्पलीट्यूड देखेगी, प्लस जेड नॉट देखेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ एक, क्या जेड नॉट एक्स पे ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ पे डिपेंडेंट है, आंसर इज़ नो, बिल्कुल नहीं डिपेंडेंट है। अच्छा चलिए, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है किस लाइन के लिए है, ऑब्वियस सी बात है, आर और जी का टर्म प्रेजेंट है, तो पक्की बात है लॉसी लाइन के लिए है। तो लॉसी लाइन के केस में क्या होगा, फॉरवर्ड वेव जब भी चलेगी तो उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, क्यों, क्योंकि लॉसी एलिमेंट क्या करेंगे, एनर्जी डेसिपेट कर देंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट अल्फ़ा कम्स इन पिक्चर और अल्फ़ा यदि आएगा तो रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड होगा। अच्छा, लॉसलेस लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है? आर इक्वल्स टू जीरो, जी इज इक्वल टू जीरो, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए अंडर रूट ऑफ एल सी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलती है क्या, कि ये जेड नॉट कैसा नंबर आ रहा है, इट्स अ रियल नंबर। तो अब ये मैंने यहाँ पे ये लॉसलेस लाइन है, क्या मैंने इसके लिए वेव का एम्पलीट्यूड का रिडक्शन दिखाया? नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि R0 G0 ले लिया, नो एटीन्यूएशन, नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये जो फॉरवर्ड वेव है वो कैसा इम्पीडेंस देखेगी? पॉजिटिव देखेगी। और इसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस बोलते हैं, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर ऑफ दी ट्रांसमिशन लाइन पे, ट्रांसमिशन लाइन के बेसिक कैरेक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। और यू कैन से कि इट डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी कांस्टेंट ऑफ द लाइन। चलिए अब बैकवर्ड वाली वेव के लिए देखते हैं। बैकवर्ड वाली वेव के लिए देखिए, बैकवर्ड वाला टर्म कंपैरिजन करते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये कौन सा कंपोनेंट, ये कौन सा कंपोनेंट था? बैकवर्ड वेव वाला था। ये भी कौन सा होगा? बैकवर्ड वेव वाला। तो दोनों को बैकवर्ड वाले को कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन करने पे देखिए गामा एक्स वी माइनस, इसको इस तरीके से मैंने लिखा वी माइनस आई माइनस। वी माइनस आई माइनस को मैं कैसे लिख सकता हूँ? आर प्लस जे ओमेगा एल। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे गामा लिखा। तो याद करिए गामा क्या था? प्रोपगेशन कांस्टेंट था। और इसकी वैल्यू क्या थी? आर प्लस जे ओमेगा। इसको सॉल्व करने के बाद मैंने ये फिर से कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का एक इक्वेशन लिखा। आप इसमें एक चीज़ नोटिस करिए कि दैट कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस डिपेंड्स ऑन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन और यू कैन से प्राइमरी कांस्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। बिल्कुल है। अच्छा, दूसरी चीज़ देखिए, ये जो किस वेव के लिए बात कर रहे हैं? बैकवर्ड वेव के लिए। बैकवर्ड वेव कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है? लोड से सोर्स की तरफ। क्या इसमें एटीन्यूएशन होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि आर और जी प्रेजेंट हैं। बैकवर्ड वेव कौन सा इम्पीडेंस देख रही है? नेगेटिव इम्पीडेंस देख रही है। तो मैंने लिखा भी है आपकी बैकवर्ड वेव लुक्स नेगेटिव इम्पीडेंस। अच्छा, लॉसलेस के केस में फिर से क्या होगा? लॉसलेस के केस में आर इक्वल्स टू जीरो, जी इक्वल्स टू जीरो, और तो ये माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट एल सी मिलेगा। क्या इसमें एटीन्यूएशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने लॉसी कंपोनेंट्स को रिमूव कर दिया है लॉसलेस लाइन के लिए। तो फाइनली क्या बोल सकते हैं कि इन एनी ट्रांसमिशन लाइन टू वेव्स विल बी प्रेजेंट, वन इज़ फॉरवर्ड वेव एंड वन इज़ अनदर वन इज़ बैकवर्ड वेव। और जो फाइनल वोल्टेज और करंट आएगा, दैट फाइनल वोल्टेज एंड करंट विल बी द सम ऑफ फॉरवर्ड वेव प्लस sum of forward wave and backward wave. So this is all about for the this lecture। और आपको next lecture पे मैं impedance relation के और भी कुछ चीज़ें बताऊँगा। Infinite length transmission line क्या होती है ये भी बताऊँगा। तो प्लीज़ वॉच माई नेक्स्ट लेक्चर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, कुछ अच्छी जानकारी मिलती है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। एंड आगे चल के अब नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।